Welcome back to my channel. I am Senorita Satin. Hope you are all doing well. So today I am going to tell you details about AIIMS BSc Honours Nursing and how to get admission, when to get admission, all the details. Okay? So please keep watching the video. Video start करने से पहले I have to just say दो disclaimers. First disclaimer, first and foremost thing. बहुत सारा comments आ रहे थे कि आप MBBS स्टूडेंट हो या फिर आप क्या कर रहे हो. तो सो आई डिड माई BSc Honours Nursing फ्रॉम AIIMS न्यू दिल्ली एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन AIIMS न्यू दिल्ली. ये है मेरा आइडेंटिटी. सो तो मैं MBBS स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं नर्सिंग स्टूडेंट थी, अब मैं वर्क कर रही हूँ उधर. ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्लेमर नंबर टू. ये आई गॉट मैनी कमेंट कि आप इंग्लिश या हिंदी में बनाओ वीडियोस. तो एक्चुअली बताओ तो मेरा हिंदी इतना फ्लुएंट, मुझे हिंदी इतना फ्लुएंटली नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, पर यू नो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस टू मेक यू अंडरस्टैंड. यू नो आपको समझ आएगी हिंदी, इतना भी बुरा नहीं है, समझ आएगी. तो कुछ भी गलती है मेरे हिंदी में तो प्लीज़ डू बेयर विथ मी. ओके, सो AIIMS BSc Honours Nursing, वाट, when, how, ये तीन क्वेश्चंस का आंसर मैं दे दूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल AIIMS में BSc Honours Nursing क्या होता है, what is BSc Honours Nursing. actually apart from MBBS they AIIMS also provide many BSc courses like AIIMS BSc Honours Nursing, AIIMS post basic nursing, AIIMS optometry, BSc Honours optometry, BSc Honours medical laboratory technology. आई थिंक राइट. तो मैंने जो AIIMS से BSc Honours Nursing किया था, तो आई विल टेल यू इन डिटेल्स अबाउट BSc Honours Nursing. बाकी जो कोर्सेज का डिटेल्स आई डोंट नो एक्चुअली, तो वो तो आप दूसरा वीडियोस में देख लीजिए या फिर आप, मैं प्रॉस्पेक्टिव दे दूंगी तो आप देख लीजिए क्या क्या करना. ओके, क्या, वाट इज BSc Honours Nursing. सो इट इज़ अ 4-year कोर्स which provides basic degree in nursing. Nursing का degree ये 4-year course है, continuously करना पड़ता है. ओके, सो ये कौन कौन कर सकते हैं, eligibility criteria क्या है, age limit तो है नहीं, मतलब यू नो 25 years and above you can do whenever you are, you know, age limit तो है नहीं, but eligibility criteria is that you should complete your प्लस टू और 12th स्टैंडर्ड विथ 50% ऑफ एग्रीवेट मार्क्स इन सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. मैथ्स इज ऑप्शनल बट स्टिल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए आपका 12th स्टैंडर्ड में. एज सच MBBS जैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है. ओके, सकते हैं एक्चुअली. क्या बोलूँ, AIIMS में ऑल ओवर द AIIMS there are actually 19 to 23 AIIMS in India. सब में ऐसे AIIMS का nursing courses है, but it is exclusively for only girls. okay, females को है एक course, males को मतलब admission नहीं मिलता. तो if you are a female you can always apply for this exam. okay, next question is how do we take admissions for BSc courses or BSc nursing courses. तो AIIMS educational site में actually we have separate exams for this. okay, this is not included in NEET. I'm repeating, it is not included in NEET. ये इसके लिए हमें separate exam देना है. so we have to give exams separately. separate exams आता है I think अभी this year I think December 28 को exam हो रहा है. तो I think if you haven't applied for this year, next year you can always apply. okay, prospectives I think March or May में मतलब notification आता है. then usually June July में exams होते हैं और August में admission start होते हैं, but due to corona and many things postponed होके अभी December में आ गई. तो next year आप जब भी notification आते हैं तो you know मैं डाल दूंगा कहीं पे, तो यू जस्ट चेक माय चैनल विल गेट. सो ये नोटिफिकेशन आएगा तो आप एग्जाम जैसे नॉर्मली एग्जाम फॉर्म फिल करके आप एग्जाम दे सकते हो. कि कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं एग्जाम में, कैसे देना है, कौन सी बुक्स स्टडी करना है, ये सब ना मैं बता दूंगी. एक्चुअली
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों बेसिस है एंड 1 or 10, 5% ऑफ जीके क्वेश्चन भी आते हैं बट दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कहाँ से आते हैं कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्वेश्चन भी है बट यू नो जीके एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग 5% or 10% आते हैं बाकी मेजर क्राइटेरिया इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके पास यू नो आप थरव है तो आप इजिली क्लियर कर सकते हैं ठीक है कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है सॉरी कौन से बुक्स पढ़ना है ये तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आई डिड माई बी एस सी ऑनर्स नर्सिंग इन द बैच 2014 टू 2018 सो वो तो बहुत पुराना है यार तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है तो नॉर्मल गाइड्स एनसीईआरटी टेक्स वो ही पढ़ा था एज सच कुछ यू नो सेपरेट बुक्स कुछ नहीं पढ़ा था तो जो भी आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो जो भी आपको मतलब कंफर्टेबल है वो बुक्स ही पढ़ाई करो मतलब ऐसे कुछ नहीं पूछना कि फिजिक्स में कैसे पढ़ना है केमिस्ट्री में कौन से बुक आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बुक्स आई विल नॉट प्रमोट एनी बुक्स बिकॉज आई डोंट यूज दिस बुक्स ओके सो ये है तो आपको बेसिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो पढ़ना है उसके अलावा आपको कुछ भी गाइड यूजफुल रहे तो आप यू नो यू कैन यूज कर सकते हैं क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन मरिट लिस्ट ओके इन माई टाइम दैट इज ऑन 2014 में there were 77 seats for AIIMS BSc Honors Nursing. वो 77 seats था अभी it has increased to 100 seats, okay? So the probability is more. So आप exams दे दीजिए and it is only for female students. 23 AIIMS है तो 23 AIIMS में कहीं ना कहीं आपका हो जाएगी तो आप just exam दे दो positively. Question आता है कि how to crack these exams? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आपका बेसिस है ठीक है तो फ्रेंकली बताओ तो आई डिडंट प्रिपेयर सेपरेटली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम जो हम नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं कीप के लिए प्रिपेयर करते हैं वही मतलब वही यूटिलाइज किया था मैंने ये एग्जाम्स के लिए भी तो दिस एग्जाम टेलिंग अबाउट दिस एग्जाम इज लाइक इट इज़ एन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ यू नो क्वेश्चंस इन इतना भी यू नो ट्रिकी नहीं है ट्रिकी है ट्रिकी क्वेश्चंस पे है मतलब वो 10% होगा बाकी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इंटरमीडिएट लेवल पे है तो इफ यू आर यू नो प्रिपेयरिंग फॉर नीट आई सजेस्ट यू टू गिव एग्जाम जस्ट फॉर योर एक्सपीरियंस ये एग्जाम्स आप नीट दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप यू नो प्रैक्टिस के लिए ये एग्जाम देना है तो आपको यू नो इसका लेवल पता चलेगी क्योंकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू कम टू दिस कोर्स आई वॉन्ट एनकरेज इट्स अप टू यू ओके तो इफ यू थिंक यू नीड टू प्रैक्टिस मेनी मोर क्वेश्चंस तो एम्स का क्वेश्चन पैटर्न कैसे होगा तो सारा एग्जाम्स तो देना चाहिए आई थिंक आई यूज टू गिव मेनी एग्जाम्स दिस वॉज माई लास्ट ऑप्शन एक्चुअली नीट तो हुआ नहीं था तो दिस वॉज माई लास्ट ऑप्शन दिस वॉज माई लास्ट होप बट हो गई एक्सपीरियंस क्या था बी एस सी ऑनर्स नर्सिंग ओके आई वॉज ऑल्सो नीट एस्पिरेंट बट हुआ नहीं था नीट तो फिर मैं इसमें आ गई तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था मेरा स्टोरी क्या था वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ठीक है तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम में डीएम करो मेरा इंस्टा आईडी में दे दूंगी ठीक है कुछ भी वीडियो बनाना है तो आप बता दो क्योंकि यू आर माई इंस्पिरेशंस प्लानिंग टू डू एन एम्स कैंपस टूर पर मेरे पास ना अच्छा वाला गियर नहीं है गैजेट नहीं है तो आई विल ट्राई टू यू नो डू दैट ऑल्सो सो इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ओके थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी सी यू नेक्स्ट वीडियो बाय बाय